की तरफ से केंद्र सरकार के बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने के लिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी पूरे देश में हड़ताल पर हैं या फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिट्टू के कर्मचारी भी उपभोक्ता भी सरकार की इस नीति के खिलाफ गांधी चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बिजली बोर्ड के निजीकरण करने से आम जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली बोर्ड के डिवीजन, उपमंडल व सेक्शन तक सभी कार्य निजी ठेकेदारों के हवाले कर दिए जाएंगे। आम उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भरना मुश्किल हो जाएगा। अभी राज्य सरकार द्वारा बिजली की दर बढ़ाने पर ही बिजली के बिल भरना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों व छोटे कारोबारियों के लिए भी बिजली के बिल अदा करना मुश्किल होगा। बिजली बोर्ड के निजीकरण से लाखों कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो जाएगी। कर्मचारियों को पेंशन व अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। सिट्टू बिजली कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करती है और आम जनता से भी अपील करती है कि बिजली के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को तेज करें। सीआईटी की ऑल इंडिया लेवल पर कॉल है पूरे देश में। आज ये धरना जो है हमीरपुर में भी हो रहा है, शिमला में भी हो रहा है, मंडी में भी हो रहा है, हर जगह पर ये धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं सीआईटी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और हमारा एकजुटता है बिजली के कर्मचारियों के साथ भी। बिजली बोर्ड का कर्मचारी हड़ताल कर रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम महसूस करते हैं कि सरकार को इस विनाशकारी फैसले को पीछे हटना चाहिए, और अगर नहीं हटेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। और मोदी सरकार जो ये कहती थी कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, आज वो सरकार देश को बेच रही है, बैंकों को बेच रही है, बीमा को बेच रही है, बंदरगाहों को बेच रही है, बिजली को बेच रही है, तमाम देश को नीलामी पर लगा दिया। और प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता था, मिट्टी की कसम मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, आज वही प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं। इसलिए ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस फैसले को वापस लें और ये बिजली के क्षेत्र को जो है आप ना बेचें, और बाकी क्षेत्रों को भी बेचने का ज़रूरत नहीं है। देश के बड़े उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपये जो है वो कर्जे ले रखे हैं, उन कर्जों को वापस नहीं कर रहे हैं वो। अब सरकार जो है उन कर्जों को वापस तो ले नहीं रही है, और उन कर्जों को वापस ले लिया जाएगा तो बिजली बोर्ड को बेचने की जरूरत नहीं रहेगा, तब आपको बैंकों को बेचने का जरूरत नहीं रहेगा, तब आपको बीमा कंपनियों को बेचने का जरूरत नहीं रहेगा। परंतु सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट देकर जो है उन कर्जों को वापस नहीं ले रही है, इसलिए देश दिवालिया हो रहा है। और देश दिवालिया, इस सरकार की नीति भी दिवालियापन की नीति है। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।